यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब दिन दहाड़े एक महिला समेत चार हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर वृद्धा, उसके दिव्यांग बेटे और मेड को बंधक बनाकर 50,000 की नकदी और करीब 10 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। बता दें कि गिरोह की महिला सदस्य शौच के बहाने घर में घुसी थी, जबकि आरोपियों ने परिवार को घर के ही एक कमरे में बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया है। हालांकि घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाश रास्ते में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। वारदात बुलंदशहर के नरोरा में आज सुबह तड़के रिहायशी इलाके में हुई है। बताया गया कि गिरोह की महिला सदस्य शौच का बहाना कर पीड़ित परिवार के घर में घुसी थी, जबकि पीछे से उसके तीन अन्य हथियारबंद साथी भी घर में दाखिल हो गए। बदमाशों ने घर में मौजूद दिव्यांग बेटा, वृद्ध माँ और कामवाली को हथियार के बल पर कमरे में बंधक बना लिया और घर में रखी 50,000 की नकदी और करीब 10 लाख रुपए की कीमत के आभूषण लूट लिए। मैंने तू बाहर कर लेना है या मेरे घर में क्यों भाग जा रही है? देर में कितने लोग थे? चार है। चार थे? हाँ, एक बाहर है, एक को चूड़ा बंद रहो। आप घर में कौन कौन थे उस समय? मैं तो एक मेरे बेटा है, अब विकलांग है। अच्छा। और मैं ही बस, और जो कामवाली जो परी है, परी है। कितने समय की घटना है ये? 6:30 बजे, आध घंटा ज्यादा रहे, सब अलवारी सब तोड़ के डालते। हथियार भी थे उनके साथ? हाँ। इतना ही नहीं, करीब 30 मिनट तक घर में उन्माद मचाने के बाद वारदात को अंजाम देकर बदमाश बहुत आसानी से फरार हो गए। हालांकि भागते हुए बदमाशों की तस्वीर रास्ते में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह का दावा है कि बदमाशों की कार को ट्रेस कर लिया गया है और बहुत जल्द पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका राजफाश कर देगी। संज्ञान में आया है, आज सुबह लगभग 6:15 और 6:30 के बीच में एक कार से तीन पुरुष एक महिला उतरे और एक वृद्धा रहती हैं मकान में, उनके साथ उनका एक दिव्यांग पुत्र रहता है। वृद्धा की उम्र लगभग 75 साल के आसपास है और उनके घर में महिला ने प्रवेश किया। महिला ने कहा कि टॉयलेट यूज करना है और झांसा दे करके इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद तीनों पुरुष सदस्य अंदर आए, आने के बाद उन्होंने इनके घर में रखा हुआ 50,000 का कैश और कुछ आभूषण जो 10 लाख के आसपास की कीमत का बताया जा रहा है इनके द्वारा, वो लिया और वहाँ से चले गए। उल्लेखनीय यह है कि इस प्रकरण में हम लोगों ने इतनी अल्प अवधि में वो गाड़ी ट्रेस कर ली है जिस गाड़ी से घटना की गई है, उन लोगों के फोटोग्राफ प्राप्त कर लिए हैं जिन लोगों ने घटना कारित की है और हम विश्वास करते हैं बहुत जल्द हम इस घटना का सकुशल अनावरण सुनिश्चित कर लेंगे। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज़ के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।